वेलकम बैक इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं इस चैप्टर फोर दैट इज़ बिजनेस सर्विस में इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन बिजनेस सर्विस देन बैंकिंग बैंकिंग के अंडर मीनिंग टाइप्स ऑफ बैंक्स फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड ई बैंकिंग सर्विस देन है इंश्योरेंस जिसमें हमें मीनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस है देन ट्रांसपोर्ट है जिसमें मीनिंग एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है देन वेयर हाउसिंग मीनिंग फंक्शन ऑफ वेयर हाउस एंड टाइप्स हैं देन कम्युनिकेशन दैट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर फोर बिजनेस सर्विसेज इस चैप्टर में कवर करने हैं सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले क्या है इंट्रोडक्शन सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर दे आर नाइदर इधर ट्रांसपोर्टेड नॉट स्टॉपड तो सर्विस क्या है इंटेंजिबल इन नेचर है मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते जिसे हम देख नहीं सकते सर्विस को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ना ही तो उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी नहीं जा सकते ना ही तो उसे कहीं हम स्टॉक करके रख सकते हैं मतलब उसको एक जगह पे रख भी नहीं सकते हैं और राइट सर्विसेज़ कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़ हैंज दे आर प्रोड्यूज एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली तो सर्विस जो है हम उसे फ़्यूचर में यूज़ करने के लिए कहीं पे स्टोर करके नहीं रख सकते जमा करके नहीं रख सकते इसीलिए जैसे ही सर्विस बनती है प्रोड्यूस होती है वैसे ही तुरंत उसको कंज्यूम करना पड़ता है यूज़ करना पड़ता है और राइट right. बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्पिंग सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस तो बिजनेस सर्विस के वो सर्विस हैं जो बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने में चलाने में हेल्प करती है और राइट तो ये जो बिजनेस सर्विस ये चैप्टर है यहाँ पर हम सर्विसेस के बारे में स्टडी करेंगे बट वो सर्विस जो बिजनेस में यूज होंगी जो बिज़नेस को चलाने में उसको सक्सेसफुली रन करने में हेल्पफुल है दे आर इंटेंजिबल इन नेचर तो बिजनेस सर्विसेस क्या हैं इटेंजिबल इन नेचर दैट इज दे आर नाइदर कैन नॉट बी टच नॉर सीन इट इज़ हेट्रोजीनियस दैट इज़ अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं इनसेपरेबल बिजनेस और सर्विस ये दोनों चीज़ें हम अलग नहीं कर सकते इनसेपरेबल है ये इनकंसिस्टेंट है दैट इज सर्विसेज जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है सभी के लिए अलग अलग टाइप की होती हैं एक जैसी नहीं होती पेरिशेबल इन नेचर दैट इज़ जो सर्विसेज है वो जैसे बनती हैं जैसे प्रोड्यूस होती हैं उसी तरीके से उसी समय हमें इसको यूज़ करना पड़ता है कंज्यूम करना पड़ता है उसे हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते मतलब पेरिशेबल मतलब ख़राब हो जाना तो सर्विस जैसे ही मिलती है वैसे ही हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो बाद में काम नहीं आएंगी एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर लोग नहीं आएंगे हमें सर्विस मांगने के लिए सर्विस की डिमांड करने के लिए तब तक हम किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज सर्विस क्या है एक टाइप का हेल्प है जब तक लोग हमसे सर्विस डिमांड नहीं करेंगे हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते सो so, यहाँ पे कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है ऑल राइट नेक्स्ट इज मीनिंग तो मीनिंग देख लेते हैं समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स तो कभी कभी सर्विस को आइडेंटिफाई करना पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो गुड्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं जुड़ी हुई होती हैं नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजिशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस वन सर्विसेज आर सोल्ड तो जब भी कोई सर्विस सोल्ड की जाती है बेची जाती है तो ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार जो है वो कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है दे नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड सर्विस को हम कहीं पे किसी जगह पे स्टोर करके नहीं रख सकते जमा करके नहीं रख सकते ना ही तो सर्विस को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जा सकते सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल मतलब सर्विस जो है वो तुरंत क्या होती है पेरिशेबल दैट इज़ खराब हो सकती है ख़त्म हो जाती है दैट इज़ जैसे ही हम किसी को सर्विस देते हैं हेल्प करते हैं वो हमारी हेल्प तुरंत लेना चाहिए दैट इज जब तक वो तुरंत हेल्प लेगा तो उसके काम में आएगी सर्विस अगर वो नहीं सर्विस तुरंत लेता है यूज में करता है तो जो सर्विस है उसका कोई काम नहीं है वो तुरंत ख़राब हो जाएगी एंड दे केम इन टू एग्जिस्टिंग एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम और सर्विस जो है वो तभी एग्जिस्टेंस में आती है तभी ही अस्तित्व में आती है जैसे हम सर्विस को खरीदते हैं जैसे खरीदेंगे वैसे ही हम उसे कंज्यूम कर लेंगे मतलब यूज़ कर लेंगे और तभी ही उसका कोई मतलब है एग्जिस्टेंस है और राइट सो ये मीनिंग था देन उसके बाद यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दी हुई हैं फोटोज़ इमेजेस हैं जैसे अलग अलग टाइप के सर्विसेज हैं एक है बैंकिंग जो बैंक है बैंक सर्विस हमें प्रोवाइड करती है देन कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर्स कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन है दैट इज़ टेलीफोन सर्विसेज़ हैं देन इंश्योरेंस है अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करती हैं देन टेलीकॉम है दैट इज़ कम्युनिकेशन है हमारा फ़ोन ऑल राइट right, तो ये क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए बिजनेस को रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है सम आर फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस तो दो डेफिनेशंस यहाँ गिवन है देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर तो पहला डेफिनेशन है फिलिप कोटलर का अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज़ एसेंशियली इंटैनिजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन टू ओनरशिप ऑफ एनी थिंग इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइट टू अ फिजिकल प्रोडक्ट तो क्या है सर्विस अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ये इज इन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब हम परफॉर्म करते हैं हम किसी की हेल्प कर रहे हैं दैट इज एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हेल्प प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसमें ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती कोई किसी का मालिक नहीं बनता है और राइट इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट मतलब उसका जो प्रोडक्शन है जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है क्योंकि हम सर्विस को कभी टच नहीं कर सकते कभी फील देख नहीं सकते हैं और राइट तो इसका फिजिकल कोई एक एग्जिस्टेंस नहीं है बट सर्विस होती है उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है अस्तित्व है और राइट नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एक्टिविटीज़ बेनिफिट्स और सेटिसफैक्शन्च आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ़ गुड्स तो सर्विस क्या है ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी बेनिफिट्स हैं या सैटिस्फेक्शन है लोगों को मिलती हैं लोगों को हम हेल्प करते हैं कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑफर्ड फॉर सेल मतलब जिसे हम सेल करते हैं तो सेल के साथ में ही हम क्या कर रहे हैं कुछ बेनिफिट दे रहे हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ हैं कुछ सेटिसफेक्शन है या तो फिर हम अगर गुड्स सेल करते हैं दैट इज़ अगर कोई सामान हम बेचते हैं तो वो सामान के साथ में हम सामने वाले को भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस जो है वो सेल ऑफ गुड्स के साथ में ही आती है, ऑल राइट नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ सर्विसेज तो सर्विसेज के फीचर्स हैं वो देख लेते हैं पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी तो सर्विस का सबसे फर्स्ट फीचर है इंटेंजिबिलिटी मतलब सर्विस जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट में नहीं है हम सर्विस को टच नहीं कर सकते वो कोई सामान नहीं है और राइट और सर्विस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच और सीन तो सर्विस कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जैसे एक पेन पेन कोई सर्विस नहीं है राइट right? पेन तो क्या है ये प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं देख सकते हैं बट सर्विस को हम टच नहीं कर सकते देख नहीं सकते और सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द रिसीवर तो सर्विस खाली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं जो सर्विस यूज़ करता है और जो सर्विस देता है बायर और रिसीवर सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देरफोर दे आर इनटेंजिबल तो सर्विस जो है उसका कोई एक फिजिकल फॉर्म नहीं होता मटेरियल फॉर्म नहीं होता कोई सामान नहीं है इसके लिए वो इंटेंजिबल है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स एंड देर फॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस ऑन टाइम तो क्योंकि सर्विस क्या है इंटेंजिबल है जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं इसीलिए हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखा सकते हैं और राइट मतलब बता नहीं सकते लोगों को कि ये किस तरीके का सामान है कैसा है क्योंकि वो कोई सामान फिज़िकली फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं है इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को उन्हें देखना है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो सर्विस से और राइट right? जब भी कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए टाइम पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए तो ये चीज़ें क्या है ये सर्विस है अगर हम एग्जांपल अगर हम शॉप में कोई जाते हैं फ्रिज अगर परचेज करते हैं तो क्या है फ्रिज तो एक प्रोडक्ट है ठीक है वो फिज़िकल फॉर्म में अवेलेबल है बट सर्विस क्या होगी कि फ्रिज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए टाइम पे होम डिलीवरी होनी चाहिए तो ये क्या है ये सर्विस है जो कस्टमर जो है उससे सेटिस्फाइड होगा तो क्वालिटी सर्विस जो है वो टाइम पे हमें देनी है कस्टमर्स को और राइट नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी दैट इज़ सर्विस जो है वो इनसेपरेबल है यूनिक कैरेक्टर ऑफ सर्विस इज़ देट सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैनॉट बी सेपरेटेड तो सबसे यूनिक कैरेक्टर है सबसे एक अनोखा कैरेक्टर है सर्विस का कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर हम अलग नहीं कर सकते जो सर्विस देता है उसे वहाँ पर मौजूद होना चाहिए तभी ही वो सर्विस दे सकता है ऑल राइट देट इज़ अगर हमारे घर में कुछ इलेक्ट्री इलेक्ट्रिक का कुछ फॉल्ट हो गया लाइट का कुछ खराब है तो इलेक्ट्रिशन आएगा तभी ही वो लाइट या फिर कोई भी प्र, जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करेगा दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर है वो वो आएगा तभी ही वो चीज़ बन पाएगी दैट इज़ सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर हम अलग नहीं कर सकते द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज़ देट एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स तो सर्विस प्रोवाइडर का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है अगर उसे सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम तो सर्विस जब प्रोवाइड करती है दैट इज़ प्रोडक्शन और कंज़म्पशन एक ही टाइम पे एक ही जगह पे होता है ठीक है नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी दैट इज सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस सर्विस क्या है हेट्रोजीनियस है अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं एक जैसी सर्विस तो हम हप, सभी को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते राइट देर कैन नॉट बी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस तो सर्विस का कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है जैसे प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है कि एक ही टाइप का एक ही साइज़ का एक ही शेप का प्रोडक्ट बनना चाहिए राइट बट सर्विस ऐसी नहीं है सर्विस का कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है हम हर एक को अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्ज द सेम द क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम हो सकता है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सेम हो लेकिन जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा अलग अलग होती है टाइम टू टाइम सर्विस भी चेंज होती है और क्वालिटी जो सर्विस की वो भी चेंज होती है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सिंपल सा फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट सर्विसेज टू टू डिफ़रेंट कस्टमर्स तो रेस्टोरेंट में जाते हैं हम खाना खाने के लिए तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर एक रेस्टोरेंट में गया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे वो रेस्टोरेंट का खाना वहाँ का एम्बियंस एटमोस्फेयर सब अच्छा लगा बट सेम रेस्टोरेंट में अगर कोई दूसरा पर्टिकुलर कस्टमर जाता है तो उसे वहाँ का जो फूड है खाना है एम में भी वो पसंद ना आए तो एक सर्विस जो है सेम सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं बट लोगों को पसंद नहीं आ रही है दो अलग अलग लोगों के लिए वो सर्विस जो है वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं और राइट तो सर्विस जो है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कोई एक पर्टिकुलर सेम चीज़ नहीं होती इनकन्सिस्टेंट है राइट दैट इज़ दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स नेक्स्ट इज़ पेरिशेबिलिटी दैट इज़ खराब हो जाना हम स्टोर करके नहीं रख सकते फ्रिज में कोल्ड स्टोरेज में तो सर्विस जैसे ही बनती है उसे तुरंत कंज्यूम करना ज़रूरी है और राइट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल तो सर्विस जैसे ही प्रोड्यूस होती है उसी समय हमें उसे कंज्यूम करना पड़ता है अगर सर्विस जो है जैसे प्रोड्यूस हो रही है वैसे अगर उसे कंज्यूम ना किया जाए तो वो किसी काम में नहीं आएगी क्योंकि सर्विस को हम कहीं पे प्रोड्यूस स्टोर करके नहीं रख सकते कहीं जमा करके नहीं रख सकते हैं बींग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देर कैन नेवर बी एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज तो क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है उसका कोई फ़िजिकल फॉर्म नहीं है उसे हम टच नहीं कर सकते देख नहीं सकते इसीलिए हम उसको किसी सामान के जैसे इन्वेंट्री के जैसे कहीं पे स्टॉक करके नहीं रख सकते कहीं पे जमा करके कलेक्ट करके नहीं रख सकते अनलाइ गुड्स द के नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर सेल्स तो क्योंकि सर्विस गुड्स नहीं है वो कोई समान नहीं है इसके लिए हम उसको फ्यूचर में बेचेंगे ऐसे बोल के हम उसको रख नहीं सकते कहीं पर भी स्टोर करके फॉर एग्ज़ाम्पल देकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ़ एन एयरलाइन कैनॉट बी यूटिलाइज इन आफ्टरनून फ्लाइट फॉर द सेम एयरलाइन तो एग्ज़म्पल दिया है एकदम सिंपल सा है समझने के लिए कि अगर हम मॉर्निंग में फ़्लाइट में बैठ रहे हैं और फ़्लाइट में कुछ सीट्स खाली हैं मॉर्निंग की फ्लाइट में सीट्स अगर खाली हैं तो वो सेम सीट्स जो हैं वो हम आफ्टरनून के फ़्लाइट्स में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्विस सिर्फ सुबह की फ़्लाइट के लिए थी और वहाँ पे किसी ने यूज़ नहीं की तो वो आफ्टरनून के फ़्लाइट में तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो नेक्स्ट फ्लाइट होगी दूसरी फ्लाइट होगी राइट तो जैसे ही सर्विस होती है प्रोड्यूस उसी तरीके से उसी समय हमें उसे यूज़ करना पड़ता है कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि बाद में उसका कोई भी यूज़ नहीं आता वो ख़राब हो जाएंगी और राइट नेक्स्ट इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफ़रेबल इन नेचर तो जैसे बाकी सारे गुड्स होते हैं वैसे सर्विस नहीं है ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफ़रेबल इन नेचर द ओनरशिप ऑफ़ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर तो जो ओनरशिप है वो नॉन ट्रांसफ़रेबल है मतलब हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ओनरशिप फॉर एग्ज़ाम्पल अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट दोनरशिप ऑफ होटल रूम रिमेन विद द होटल यर तो एग्जाम्पल दिया है काफ़ी सिंपल है क्या है एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर किसी होटल में जाता है कोई होटल का रूम बुक करता है तो वो रूम यूज़ कर सकता है दैट इज़ वो सर्विस यूज़ कर रहा है वहाँ पर वो रूम यूज़ कर सकता है बट वो रूम का मालिक नहीं बन जाएगा तो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है राइट दैट इज़ रूम तो वो होटल जिसका होटल है जो ओनर है उसी का होगा सिर्फ वो रूम यूज़ कर सकता है कुछ दिन के लिए ठीक है नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट तो अगर हमें किसी को सर्विस देनी है या फिर किसी को सर्विस लेनी है तो पार्टिसिपेशन कस्टमर्स का बहुत ज़रूरी है अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो हम सर्विस किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी ऑफर्ड तो जब तक कंज्यू कस्टमर नहीं आएंगे सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते द कस्ट द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर वाई सवर सा कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस तो जो सेलर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस तब तक प्रोवाइड नहीं करता जब तक उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ जाएगा और वैसे ही कस्टमर भी तब तक सर्विस नहीं ले सकता जब तक सर्विस देने के लिए कोई मौजूद ना हो ऑलराइट? Right? तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस जो ले रहा है एक्सेप्टर, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्विस के लिए और राइट नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस क्या है वो देख लेते हैं शॉर्ट में बिजनेस सर्विस बिज़नेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन इन एन आइसोलेटेड मैनर तो बिजनेस हम आइसोलेटेड मैनर में नहीं ऑपरेट कर सकते हैं. मतलब अगर हमें बिज़नेस चलाना है तो हमें एम्प्लॉयज लोग कस्टमर्स एक बड़ा सा एक खुला जगह चाहिए राइट हम अकेले में बिजनेस नहीं कर सकते हैं. बोल जा जाए कि एक अकेला आदमी बैठ के बिज़नेस करें तो ये पॉसिबल नहीं है बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट हैं इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ काम होना बहुत ज़रूरी है तभी ही हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा बढ़ पाएगा बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली तो बिजनेस क्या है बिजनेस सर्विस वो सर्विस है जो बिजनेस को हेल्प करती है ग्रो करने में और राइट तो बिज़नेस की जो सर्विसेज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंक्रीज करने के लिए और स्मूदली फंक्शन करने के लिए तो अलग अलग टाइप्स के बिजनेस सर्विसेज है बिजनेस अच्छे से स्मूदली चल सके रन हो सके उसका काम अच्छे से चलता रहे उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं तो क्या क्या है वो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस देर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्विस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पज सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर एस फॉलोअर्स तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्मूथली फंक्शनिंग एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस तो क्या है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज चार्ट गिवन है हम उस चार्ट में देखते हैं क्या क्या है तो so, बिजनेस सर्विसेज जो है वो सेंटर में गिवन है और अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्ट है कम्युनिकेशन है बैंकिंग है इंश्योरेंस है वेयर हाउसिंग है तो ये अलग अलग टाइप के सर्विसेज हैं जो बिजनेस यूज़ करता है उसे अच्छी तरीके से चलाने में ग्रो करने में और स्मूथली फंक्शन करने में और राइट सो ये सारे सर्विसेज जो हैं वो हम इस चैप्टर में आगे सब डिटेल में स्टडी करेंगे और राइट सो इस वीडियो में हमने चैप्टर फोर्थ स्टार्ट किया था दैट इज़ बिजनेस सर्विस इसमें हमने इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स हमने कंप्लीट किया एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ऑल राइट सो आगे देखेंगे आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये पार्ट है इस वीडियो का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर योर टाइम